हेलो वेलकम टू बी बैंकर, दिस इज संजीव और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक जिसके हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। ओके तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप चाहे वो कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, नॉर्मल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हो जिसमें आप सब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके एंड थर्ड वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड फोर्थ थोड़ा हार्ड है बट इस वीडियो के बाद वो आसान हो जाएगा, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सब्जेक्ट को। ओके तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जिनको ये जो सेंटेंसेस के टाइप्स लिखे हैं वो भी शायद थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे, तो उनके लिए उनको घबराना नहीं है, उनके लिए मैं बताऊँगा कि ये सब सेंटेंस होता क्या है। ओके तो चलिए आगे शुरू करते हैं दोस्तों, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश होगी कि वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिखेगा जिसे आपको प्रेस कर देना है। जो लोग नए हैं उनसे ये गुजारिश है। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, प्रेस करेंगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी लिंक के लिए या छोटी मोटी जो भी आपकी क्वेरीज हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके बट हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा एक सेंटेंस देते हैं सर इसको सॉल्व करके भेजिए, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उतना हमारे पास वक्त नहीं होता, हम लोग को बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करना पड़ता है। एंड आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं इस लिंक के हेल्प से। ओके एंड फेसबुक पे आपको और भी सारी मटेरियल मिल जाएगी, लाइक वर्ड ऑफ द डे, न्यूज़ ऑफ द डे, फिर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे, हम हमारे लाइफ को वहाँ पे देख सकते हैं क्या व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर नॉट डूइंग। एंड वहाँ पे बहुत सारे क्विजेस भी होते रहती हैं बीच बीच में, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। ओके दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सब्जेक्ट का मतलब तो विषय होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं, ये वो नहीं है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। तो ये क्या है? ये पर्सन है या थिंग है। ये पर्सन या थिंग में से कुछ हो सकता है जो उस सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, मतलब ये सब किसी भी सेंटेंस के अंदर होता है। ओके एंड इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका एक गुण है, दैट इज़ ये जनरली वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्ट जनरली प्रीसीड्स द वर्ब, ये वर्ब के आपको पहले मिलेगा। तो ये इसका ट्रिक भी है, ये उसका गुण भी है कि कैसे पहचानना है सब्जेक्ट को। ओके मतलब एलिमिनेट हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। चलिए तो एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि होता क्या है। रोहित प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे सबसे पहले आप वर्ब को फाइंड आउट कर लीजिए। वर्ब देखिए यहाँ पे प्लेज है, प्लेज मतलब खेलना। जिन लोगों को वर्ब नहीं आता वो हमारे चैनल पे वर्ब की वीडियो देख सकते हैं। ओके रोहित प्लेज फुटबॉल, ठीक है, तो वर्ब हो गया यहाँ पे प्लेज। अब है कि प्लेज यहाँ पे तो तीन ही वर्ड ही है इस सेंटेंस में, तो ढूंढना तो बहुत आसान कि प्ले के पहले होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि फुटबॉल तो होने से रहा, ये तो वर्ब के बाद है। तो यहाँ पे एक दूसरे वाले जो गुण है उससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि रोहित ही सब्जेक्ट है। ओके एंड अब पहला जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट क्या है, इज़ द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। रोहित फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल कौन खेल रहा है, एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, रोहित, ठीक है। तो रोहित हो गया सब्जेक्ट, आई बात समझ में। बट दिस इज़ नॉट द ट्रिक, मैं आपको आगे ट्रिक बताऊँगा कि कैसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं ट्रिक में, ट्रिक टू फाइंड द सब्जेक्ट। ये सभी सेंटेंसेस पे काम करेगा बट अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो वो तरीका क्या होगा मैं आपको सारे सेंटेंसेस में अलग अलग करके बताऊंगा। आपको क्या करना है, सेंटेंस से पूछना है हु और व्हाट, ठीक है। किसी जो भी सेंटेंस आपको दिख रहा है सेंटेंस से पूछिए कौन या क्या, ठीक है। अगर उस सेंटेंस में पर्सन हो तो हु पूछ लीजिए, अगर उस सेंटेंस में थिंग हो तो व्हाट पूछिए। जो आंसर मिल जाएगा हु और व्हाट का वही होगा सब्जेक्ट। ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल के हेल्प से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस में कैसे होगा। ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच, ठीक है। सेंटेंस से पूछिए कौन, हु वॉज ईटिंग अ सैंडविच, वह सैंडविच खा रहा था। सैंडविच कौन खा रहा था, वह, तो आंसर हो गया वह, यानी कि वह होगा आपका सब्जेक्ट। अंडरलाइन किया मैंने, देखे है ना, और रेड कलर से उसको मार्क भी किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ न्यू मोबाइल, ठीक है। किसने मोबाइल लिया, हु बॉट अ न्यू मोबाइल, आई, तो आई होगा सब्जेक्ट। ये कुछ सोचना ही नहीं है। और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये देखिए वर्ब के पहले है, ये देखिए ईटिंग यहाँ पे वर्ब है इसके पहले है, तो क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। सी इज़ वेरी वेरी प्रिटी, कौन है वेरी प्रिटी, सी, सी होगा सब्जेक्ट, हु इज़ वेरी प्रिटी। ठीक है, सेंटेंस आपको पूछना है कौन। अब मैंने पूछा, मैं आपको और एक ट्रिक बताया था व्हाट। अगर सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग हो, पर्सन ना हो, तो वहाँ पे व्हाट पूछिए। लाइक द स्काई इज़ ब्लू, क्या है ब्लू, व्हाट इज़ ब्लू, आंसर आएगा द स्काई। द स्काई हो गया आपका सब्जेक्ट। आइस इज़ वेरी कोल्ड, व्हाट इज़ वेरी कोल्ड, आइस, तो आइस हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या है बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हो गया सब्जेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम टू सेम जाएगा। लाइक ही वॉज नॉट ईटिंग, हु वॉज नॉट ईटिंग, ही। आई डिड नॉट बाई एनी थिंग, मैंने कुछ नहीं खरीदा, किसने कुछ नहीं खरीदा, मैंने, तो आई होगा सब्जेक्ट। सी इज़ नॉट एरोगेंट, हु इज़ नॉट एरोगेंट, सी, सी हो गया सब्जेक्ट। द स्काई इज़ नॉट येलो, व्हाट इज़ नॉट येलो, द स्काई। आइस इज़ नॉट कोल्ड, व्हाट इज़ नॉट कोल्ड, आइस। समझ में आया दोस्तों। तो ये हो गया नेगेटिव और असर्टिव की कहानी ख़त्म। चलिए इम्पेरेटिव को देख लेते हैं। इम्पेरेटिव क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग जो इम्पेरेटिव को नहीं जानते, थोड़े मैं उसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। इम्पेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, या सलाह सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं। मैंने तीनों ही एग्जाम्पल लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक अगर हम लोग किसी को बोलते हैं सिट डाउन, तो ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, फिर बोल रहे हैं प्लीज़ गिव मी सम वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया हमको थोड़ा वाटर दे दो, है ना। या किसी को सजेशन दे रहे हैं, अरे सुबह सुबह उठा करो, वेकअप अर्ली। ठीक है, तो ये तीनों ही सेंटेंस मैंने यहाँ पे रखे हैं दोस्तों, ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। ठीक है, तो अब चलिए आ जाते हैं ट्रिक पे। अब देखिए यहाँ पे यू जो है वो नहीं लिखा हुआ है, सेंटेंस में ये नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, तो यही सिर्फ लिखा रहेगा सिट डाउन। तो आपको समझना है क्या सिट डाउन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं सिट डाउन, तो सिट डाउन किसको बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं सिट डाउन, नहीं, सामने वालों को बोलते हैं, यू आपको, है ना, तुमको, आप सबको, है ना, इनको बोल सकते हैं। तो यू आएगा, तो आपको यहाँ पे अज्यूम कर लेना है कि यू यहाँ पे साइलेंट है, अंडरगॉन है। ठीक है, तो हु सिट डाउन, कौन बैठ जाएगा, आप, है ना, तो यू आपका यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। ऑल्दो ये सेंटेंस में लिखा नहीं रहेगा, आपको अज्यूम कर लेना है और मान लेना है कि यू ही होगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक प्लीज़ गिव मी सम वाटर, किसको बोलेंगे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, सामने वालों को बोलेंगे जो आपके फ्रंट में बैठे हैं, है ना, यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ठीक है, हु प्लीज़ गिव मी सम वाटर, यू, तो यू होगा सब्जेक्ट। ऑल्दो यू लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको मानना है, आंसर में आपको यू लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट। लाइक वेकअप अर्ली, हु वेकअप अर्ली, यू वेकअप अर्ली। ठीक है, या यू शुड वेकअप अर्ली, ऐसा हम लोग सजेशन करते हैं ना, तो यू होगा सब्जेक्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो यू है ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पेरेटिव में यू ही होगा सब्जेक्ट। ठीक है, बट हाँ कुछ सेंटेंसेस में ये वेरी करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा। ठीक है, जैसे कि और बड़े बड़े सेंटेंसेस अगर आप इसमें ले लेंगे तो अलग अलग आपको वहाँ पे खुद से समझ करके निकाल लेना है। ठीक है, कि किसको बोला जा रहा है, और बस प्री अज्यूम करना है और आपको अपना आंसर अंडरलाइन करना है या लिख देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, बट इसकी मैं एक ट्रिक बताऊँगा जिसके हेल्प से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है, पढ़ लेते हैं। Rewrite the questions in order to make the question into a statement and the find the subject। ऊपर से क्या, ठीक है, तो पहले इंट्रोगेटिव को जान लीजिए। इंट्रोगेटिव यानी कि पूछने वाला सेंटेंस, प्रश्नवाचक जो भी सेंटेंस होंगे उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। ओके, तो इसको समझ लेते हैं दोस्तों, ये लिखा क्या है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको आपको रीराइट करना है, और क्वेश्चन वाले सेंटेंस को आपको नॉर्मल स्टेटमेंट में लेके आ जाना है। मतलब क्वेश्चन जो वो जो साइन लगा हुआ होता है, ये जो सिंबल लगा होता है, इसको आपको हटा देना है। ओके, इसको क्या करना है, आपको हटा देना है, और हटा कर आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है, एंड वहाँ पे आपको हु और वाट वाला फार्मूला लगा देना है। गेटिंग। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, बट इससे पहले आप दोस्तों ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे जो पहला टाइप होता है दोस्तों, दैट इज़ यस नो टाइप। क्या होता है यस नो टाइप? फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो आपका आंसर हाँ या ना में आएगा, तो इसको कहते हैं यस नो टाइप। दूसरा है सेलेक्टिव टाइप। सेलेक्टिव टाइप क्या होता है दोस्तों? लाइक मैं अगर आपसे पूछूं डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी लेंगे, तो मैं आपको ऑप्शन पहले ही दे दूंगा, चाय या कॉफ़ी। आप ये नहीं बोलेंगे नहीं चाय कॉफ़ी नहीं लेंगे, हम पानी लेंगे। ठीक है, ये बोलना मतलब बोलते हैं, बट जब आपको ऑप्शंस मिले तो इसको कहते हैं सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन। पर्टिकुलर टाइप में क्या होता है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो यू विल आंसर अ पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर आंसर दोगे। फॉर एग्जांपल कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप बताओगे दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं पे है, ठीक है। आप हाँ या ना नहीं बोलोगे या कुछ वहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको एक आंसर करना होगा, ठीक है। यही टाइप है और सभी टाइप में हम लोग जानेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं पहले यस नो टाइप। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, इज़ योर हाउस रेडी। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसको लेके आना है नॉर्मल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में, ठीक है। क्वेश्चन वाला जो सिंबल है इसको हटाना है। इज योर हाउस रेडी, तो इसको मैं अगर रीराइट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, योर हाउस इज रेडी, ठीक है। अब आप सेंटेंस से पूछिए हु या वॉट, कौन रेडी है या क्या रेडी है। हाउस रेडी है तो हाउस हो गया सब्जेक्ट। समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग आंसर कर देंगे योर, ठीक है। यू आर नॉट रेडी, आप तैयार नहीं हैं, आपका घर तैयार है, तो हाउस होगा ना सब्जेक्ट। व्हाट इज रेडी, हु इज रेडी, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे आपको यहाँ पे ट्रिक लगाना है। हु और व्हाट तो हर जगह लगेगा, बट क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज कर देना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू ब्रश योर टीथ, इसको आप नॉर्मल में देखते आइए। पहले यू हैव ब्रश योर टीथ, ठीक है, ये हो गया। हैव यू ब्रश योर टीथ, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में यू हैव ब्रश योर टीथ। हु हैव ब्रश योर टीथ, यू, तो यू होगा सब्जेक्ट। समझ में आया। इज़ दिस योर पेन, इजी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इज़ दिस योर पेन, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए, दिस इज़ योर पेन, इज़ दिस योर पेन, दिस इज़ योर पेन, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर पेन या हु इज़ योर पेन, हु तो पूछते नहीं है पेन से। व्हाट इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन, तो दिस होगा सब्जेक्ट ना दोस्तों, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन। तो पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन में क्या हो सकता है दोस्तों, आपको इससे पूछा जाएगा आपका घर कहाँ है, वेयर इज़ योर हाउस, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल पहले लेके आ जाइए। योर हाउस इज़ वेयर, व्हाट इज़ वेयर, हाउस, हाउस होगा सब्जेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट। व्हेन डिड यू ब्रश योर टीथ, व्हेन डिड यू ब्रश योर टीथ, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में लेके आइए। यू डिड ब्रश योर टीथ व्हेन, ठीक है। तो हु डिड ब्रश योर टीथ व्हेन, यू, तो यू होगा सब्जेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट। हाउ विल आई गो देयर, ठीक है, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में लेके आइए। आई विल गो देयर हाउ, आई विल गो देयर हाउ। तो आप सेंटेंस से पूछिए कौन, हु विल गो देयर हाउ, आई, तो आई होगा सब्जेक्ट। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, अब कि मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको ये ट्रिक बताई कि सेंटेंस से पूछिए कौन या क्या, हु पूछना है या व्हाट पूछना है। बट कभी कभी सेंटेंस ऐसा होगा कि सेंटेंस में ऑलरेडी हु और व्हाट होगा, तब कैसे पहचानेंगे। लाइक एग्जाम्पल देखिए, हु इज कुकिंग द चिकन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट लेके आ जाइए। हु इज कुकिंग द चिकन। अब इसमें देखिए नॉर्मल स्टेटमेंट आएगा कैसे, हु इज कुकिंग द चिकन। तो हु और व्हाट जहाँ पे आपको दिख जाए, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं सोचना है, हु और व्हाट के नीचे अंडरलाइन लगा देना है, क्योंकि हु और व्हाट वाले सेंटेंसेस में हु और व्हाट ही होगा सब्जेक्ट। तो ट्रिक यही है कि डायरेक्ट आपको लगा देना है, कुछ नहीं सोचना है। अगर आप लगाते भी हैं तो पूछिए सेंटेंस से कौन, हु इज कुकिंग द चिकन, तो आंसर आपका हु ही तो आएगा, गेटिंग। व्हाट इज़ योर नेम, तो पूछिए आप सेंटेंस से कौन या क्या, क्या है आपका नाम, व्हाट इज़ योर नेम। तो आंसर तो आप ऐसे जाएंगे तो दूसरा आएगा, बट सेंटेंस से आप पूछ रहे हैं तो आपका हु और व्हाट ही आएगा आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, हु और व्हाट पे आपको लगा देनी है टिक या अंडरलाइन, या आपको आंसर लिख देना है। ओके, तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, ये था कंप्लीट ट्रिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे जो टर्म्स हैं, सारे जो चीज़ें मैं आपको ट्रिक्स बताई वो आपको समझ में आई है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी तरह की चीज़ हो, क्वेरी हो, छोटी मोटी चीज़ें हो, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। थोड़ा लेट रिप्लाई करते हैं बट ज़रूर करते हैं, पूछिएगा। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने रिप्लाई किया है एंड बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे बात भी की है, तो घबराइएगा मत। उसके लिए सॉरी भी कहूँगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए बी बैंकर के साथ, बी विद बी बैंकर, इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज।